सरकार को हमेशा ही आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वही सरकार अपने फायदे के लिए आम लोगों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करे तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस हद तक तबाह हो सकती है, यही हम आज की इस कहानी में जानेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की कहानी शुरू होती है जून और उसके पति और उसकी बेटी से, जो कि अपनी कार से शहर से भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जून का पति जून और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले ही आगे बढ़ने को कहता है, और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्दी उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपनी बेटी को लेकर उसी रास्ते से आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ ही देर में जून को एक गनशॉट की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब कि उसके पति को मार दिया गया था, और जून अपनी बेटी के साथ में जंगल में एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को छीन कर ले जाती है और जून को भी बेहोश करके कहीं दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। अब कुछ दिन के बाद हम जून को देख पाते हैं जो कि लाल कपड़े पहने एक अमीर आदमी फ्रेड के घर पर मेड बनी हुई थी, लेकिन जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था, और ये बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फ्रेड की वाइफ सेरेना भी जून से कुछ सवाल पूछती है और उसे ये बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले करके उसकी जगह पर किसी और मेड को रखा जाएगा। जून की भी वहाँ पर एक दोस्त बन जाती है, उसका नाम ग्लेनोवा था, लेकिन वे लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखती थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर नहीं अलाउड थी। अब मार्केट जाते समय वे दोनों एक गर्ल स्कूल से गुजरते हैं। जून वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि वहाँ पर कहीं पर उसे उसकी बेटी नज़र आ जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए खतरा हो सकता है। वे घर लौट रहे थे और वे दोनों एक ऐसे रास्ते से जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सजाएं दी जाती थी। वहाँ पर वे दोनों देखते हैं कि एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमन की मदद करता था, एक प्रीस्ट और रिलीजन पर बिलीव नहीं रखने वाले आदमी को सड़क पर ही फांसी पर लटकाया गया था और उनकी डेड बॉडीज सड़क पर ही सड़ चुकी थी। कुछ समय के बाद में जून को मेट्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेट्स को सरकार के हिसाब से ढाला जाता है, और देश में केमिकल चेंजेस की वजह से वहाँ की वुमन्स एक या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटीज़ की वाइफ अब बेबी पैदा करने की हालत में नहीं थी तो उनकी जगह जून जैसे वुमन्स को ही दूसरे अमीर फैमिलीज के लिए बेबी पैदा करना होता था, और वही बेबीज़ फ्यूचर में देश को आगे बढ़ाएंगे, और इसके लिए उनको अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ेगा और उनको बच्चा पैदा करना पड़ेगा। जून की एक और दोस्त मौर्या भी वहीं पर कैद थी और वो अब पूरी तरीके से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मौर्या से मदद मांगती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए, और मौर्या भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो जून को अथॉरिटीज़ के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान तक ली जा सकती थी। अब देर रात हेना को गर्ल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है, और हेना अथॉरिटीज़ की बातें नहीं मानती थी तो उसकी एक आंख को निकाल दिया गया था। अब अगले दिन जून नहाकर फ्रेड के घर पर जाती है और उसके साथ में बेबी के लिए इंटीमेट होती है। सेरेना भी वहीं पर मौजूद थी और उसने जून का हाथ पकड़ रखा था, और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वो ही इंटीमेट हो रही है। अब रात को हेना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें कर रही थी और उसकी आंख निकाल लेने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरीके से पड़ा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा नहीं सुन सके। अब अगले दिन मेड को बुलाकर अथॉरिटीज़ एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है जहां पर मौर्या को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था क्योंकि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा था जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उन मेड को सौंपकर ये कहा जाता है कि वही लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती है और उसे मारने पीटने लगती है, और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होता है और यहाँ पर मार्केट जाते समय जून और ग्लेनोवा अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में चुप चुप कर बातें कर रही थी। ग्लेनोवा तो अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की एज तक वो सब कहीं भी नहीं जा सकते थे, और फिर जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है, और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने को कहता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हेना एक बेबी को जन्म देने वाली थी,
और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल तक ले गया था और जून का ही एक ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हेना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून ग्लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी कह देती है। जब हेना का बेबी डिलीवर होने वाला था तो अमीर वुमन ऐसा बिहेव करती है कि जैसे कि उस बेबी को वे डिलीवर कर रही है। बेबी के डिलीवर होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वुमन के हाथ में दे दिया जाता है। हेना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस दूध पिलाने के लिए ही बेबी हेना के हाथ में दिया जाता है। जिस दौरान हेना अपने बेबी को जी भर कर देख लेती है क्योंकि उसे अब कभी भी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने को कहती है क्योंकि वे लोग भरोसे के काबिल नहीं थे। और शाम को जून फ्रेड से मिलने जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें कर रहा था और वो यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलता है और उससे बातें करता है। वो उसे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इन्वाइट भी करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती है वो ये नोटिस करती है कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है, मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बात के लिए सजा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो इकलौती अकेले दोस्त थी अब वो भी नहीं रही थी और ये सब अब जून को अकेले ही सहना होगा और अपने बेटे को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना होगा। इस मूवी में ये बताया गया है कि देश में केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चों को पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी क्योंकि बच्चों को पैदा करने में उनकी जान को भी खतरा था। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को तबाह करके उन लोगों को अमीर लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वे उनके लिए बेबी पैदा करें। अमीर औरतें ऐसा बिहेव करती थी कि जैसे कि बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग लेती थी, लेकिन जो असल में माँ थी उनका बेबी पर कोई भी हक नहीं था और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। बच्चा पैदा करने के बाद और कोई गलती करने के बाद उन औरतों को गायब कर दिया जाता था, जैसे कि हेना और मौर्या को किया गया था। जो भी सरकार के खिलाफ जाता था उसे सजा के रूप में मौत दी जाती थी। ऐसा कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो वो पुलिस के हाथ से चढ़ जाता है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसते हैं और आज भी वे एक रहस्य है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक कातिल के बारे में बताने वाला हूँ जिसने 30 से भी ज्यादा लोगों को मारा है और इतना ही नहीं वो खुद पुलिस को पत्र लिखकर हत्याओं के बारे में जानकारी देता था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई और वो हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूं।